नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन की तानाशाही। नॉर्थ कोरिया में इस समय तानाशाही का बहुत बड़ा दौरा चल रहा है, जिसका कारण किम जोंग उन है। कहा जाता है कि संकी किम जोंग उन के खिलाफ कोई भी नहीं जाता है और अगर गलती से भी कुछ ऐसा करता है तो उसके लिए बहुत बड़ी सजा तय की जाती है। किम जोंग नॉर्थ कोरिया का ऐसा लीडर है जिसके फैसले के खिलाफ जाना लोगों में दहशत फैला सकता है। किम जोंग का जन्म 8 जनवरी 1983 प्योंगयांग, उत्तर कोरिया में हुआ था। इसके परिवार का नॉर्थ कोरिया में बहुत समय से ही तानाशाही चल रही है, जो लोगों को भड़काने और डराने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती है। हम इंडियन बहुत ही अच्छे डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, जो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। यहां सबसे बड़ा संविधान है, जो लोगों को पूरी व्यवस्था प्रदान करता है। अपने संविधान के अनुसार जुर्म करने वाला चाहे कोई भी हो, वो सजा का हकदार है। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग के डर से परेशान जनता बहुत ही जल्द किम जोंग से छुटकारा पाना चाहती है। किम जोंग इतना संकी आदमी है जिसने कुछ छोटे कारण से अपने फूफा को भी मरवा दिया है। इसकी सनक की कोई हद नहीं है, जो कहीं तक भी पहुंच सकती है। यह अपना सारा पॉलिटिकल या कोई दूसरा डिसीजन अपनी बहन के अनुसार ही लेता है। किम जोंग की बहन किम यो जोंग का नॉर्थ कोरिया में बहुत ही बड़ा रुतबा है। कहा जाता है कि किम जोंग की बहन जब कॉलेज में पढ़ाई करती थी तब उसका वहाँ बहुत ही बड़ा रुतबा था। किम यो जोंग जब रास्ते से चलती थी तो उसके लिए पूरे बच्चे किनारे खड़े हो जाते थे और वह अकेले ही उस रास्ते से गुजरती थी। एक बार किम यो जोंग की बहन को किसी लड़के का गलती से पैर टच हो गया था तो किम यो जोंग ने अपने भाई से कहकर उस लड़के का पैर ही कटवा दिया था। किम जोंग का जलवा। नॉर्थ कोरिया में तानाशाही का ऐसा दौर चल रहा है कि वहाँ की जनता किम जोंग के खिलाफ अगर कुछ बोले तो वह उसका जुबान निकाल सकता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।